हेलो गाइस, मेरा नाम अशोक कुमार, स्वागत है आपका मेरे चैनल इसके ब्लॉग्स 29 में। हाजिर हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे स्कूटी का कौन सा पार्ट्स आपको कब बदलने चाहिए, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने अपनी ओकिनावा प्रेस प्रो को कितना चला दिया है। जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं 5780 किलोमीटर चल चुकी है और 1.5 साल के लगभग मुझे इसे लिए हुए हो गए हैं। तो बात करते हैं स्कूटी का कौन सा पार्ट्स आपको कब बदलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक पैड्स की या ब्रेक शूज़ की। तो ये आपको लगभग 15,000 किलोमीटर चल जाने के बाद ज़रूर से आपको चेंज करवाना चाहिए, नहीं तो आपकी ब्रेकिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा जो पार्ट है वो है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम होता है जो भी वातावरण के अंदर जो हवा होती है उसके अंदर जो डस्ट पॉल्यूशन होती है उसको क्लीन करना और इंजन के अंदर जो है वो साफ हवा, शुद्ध हवा भेजना, जिससे इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ सके। तो इसको आपको 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच में आपको इसको ज़रूर चेंज करना चाहिए, और या फिर आप कोशिश करें कि इसको हर तीसरी सर्विस में आप इसको चेंज कराएं। तीसरा जो है वो इंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इंजन ऑयल है जो इंजन की लाइफ बढ़ाता है। इसको आपको ज़रूर से 4,000 से 4,500 किलोमीटर के बीच में आपको इसको ज़रूर से चेंज करवाना चाहिए। चौथा जो है वो है स्पार्क प्लग, जिससे कि गाड़ी निकलती है और इंजन के अंदर जो है वो हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो जलता है और इंजन को है जो पावर मिलती है स्कूटर को, उसके काम में आता है ये स्पार्क प्लग। तो इसको आपको 12,000 किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए। पांचवा जो पार्ट है वो है ड्राइव बेल्ट। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर जो चेन आती है, वैसे स्कूटर के अंदर जो है एक ड्राइव बेल्ट आती है, तो इसकी भी जो है वो एक लाइफ होती है। जो इंजन और पहिए जो पिछला पहिया है उससे जुड़ी होती है, तो इसको आपको 25,000 किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए। छठा जो है वो फ्रंट फॉक ऑयल। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा फ्रंट फॉक होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रंट फॉक। इसके अंदर जो है वो ऑयल भरा होता है। तो ये आप स्कूटी को कहाँ चलाते हैं, गड्ढों में चलाते हैं, तो इससे ये कम होता जाता है, और इसको आपको 25,000 किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए। सातवां जो पॉइंट है टायर एंड बैटरी। तो इसकी कोई जो है वो फिक्स इसका कोई किलोमीटर पे नहीं होता है, ये आपको मैकेनिक से चेक करवा के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको इसको चेंज करवाना चाहिए, या फिर आप देख सकते हैं जैसे टायर के ऊपर ये जो लाइनिंग होती है तब तक टायर की जो है वो पकड़ रोड पे जो ग्रिप होती है वो अच्छी होती है। जैसे ये घिस जाता है, प्लेन हो जाता है चलते चलते, या फिर आप मैकेनिक से चेक करवा सकते हैं, उस टाइम आपको उसको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और बैटरी भी आजकल जो है वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी आती है, सर्विसिंग में आप इनको चेक करवा सकते हैं, तो उससे इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और आप इसको मैकेनिक से चेक करवा के आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आठवां जो पॉइंट आता है वो कार्बोरेटर और FI। आजकल जो है वो सभी गाड़ियों में FI आने लगे हैं, तो पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनमें कार्बोरेटर आता था, जिसको आपको क्लीन करवाने के बाद, ट्यून करवाने के बाद ही आपको अगर इस थ्रॉटल देने में दिक्कत आ रही है या फिर माइलेज आपका ड्रॉप हो रहा है ट्यूनिंग करवाने के बावजूद भी या क्लीन करवाने के बावजूद या एडजस्ट करवाने के बावजूद भी, तो आप मैकेनिक से चेक करवा के इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। केबल्स जो इसके अंदर जो ब्रेक केबल हो गई, थ्रॉटल केबल हो गई, और जो भी वायरिंग स्कूटर के अंदर होती है उनकी भी एक लाइफ होती है। हालांकि इनकी लाइफ जो है वो बाकी पार्ट्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, फिर भी आपको 40,000 किलोमीटर पर इसको चेंज करवाना ज़रूरी होता है। और दसवां जो पॉइंट है सर्विसिंग, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो पहली चीज़ तो कंपनी के द्वारा जो सर्विस मैनुअल बुक की जाती है उसके अकॉर्डिंग आप इस सर्विस करा सकते हैं, या फिर हर 4,000 से 5,000 किलोमीटर के बाद आपको अपने स्कूटर की जो है वो सर्विस करानी चाहिए। इससे आपकी स्कूटर की जो है लाइफ बढ़ जाती है और वो स्मूथ चलता है, अच्छा माइलेज देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।